घटना तो कुछ नहीं, हम वही सुबह जी फेरी लगाने गया था, हम बिलवीचुंगी चले गए थे, वहाँ हम सिलाई मशीन रखी है, सिलाई का काम करते हैं। क्या फिर ये हुआ? दोनों को उस बुला लिया उसने अंदर कमरे में, मार दिया किसने किसको मार दिया? देवेंद्र ने, मार दिया अपनी पत्नी और दो बच्चियों को। विवाद अच्छा, क्या कोई विवाद हुआ था क्या दोनों? के लिए तो ऐसा कि लड़ते झगड़ते रहते थे हम लोग, बचाव करते थे। किस बात को लेकर लड़ाई होती थी? तुमने रोटी मोटी बना दी या रोटी पतली बना दी, या इसमें नमक ज्यादा कर दिया, या इसमें पानी कम है सब्जी में। शराब वराब पीता था क्या? नहीं। गांजा लगाता था पहले, शराब पीता था। अच्छा, इसकी शादी कब हुई थी? शादी हो, 2008 में। हाँ ऐसे ही हुआ। थाना कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला समद नगर में एक घर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी यहां पर पहुंचे। और यहां पर इस तरह से देखा गया कि एक व्यक्ति जो यहां समद नगर में रहता था अपने परिवार के साथ, उसने अपनी पत्नी को व साथ ही अपनी दो बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया है। और इस तरह से यहां पर जो है एक बात सामने आई है, सभी दो लोगों द्वारा एक मौके को विजिट किया गया है, फील्ड यूनिट आ रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और आगे वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या रही है? देखिए, अभी इसमें जो व्यक्ति है जिसने इसको मारा है वो फरार है और टीमों का गठन तुरंत मेरे द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है, हर जगह उसको तलाशा जा रहा है। जैसे ही वह पकड़ा जाएगा इसके बारे में और स्थिति क्लियर हो पाएगी। जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि ये इनके बीच विवाद हुआ था, जिस विवाद के पीछे इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया? इसमें फर्स्ट जो अभी देखा गया है उसके हिसाब से इनके सरों पे जो है किसी भारी वस्तु से ऐसा प्रतीत होता है कि वार किया गया होगा। बाकी जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तब इसमें फर्दर पता चल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या। देखिए, वो बच्चे और जिसने हत्या की, कौन है, क्या संबंध है आपस में? जिसने मारा है वो तो पति है और जो मरे हैं मृतका वो उसकी पत्नी है, और जो उसके दोनों बच्चे हैं उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मारा है। बच्चों की उम्र क्या रही होगी? इनकी दो बेटियां थी, एक की उम्र करीब 9-10 साल बताई जा रही है और दूसरे की उम्र लगभग 5-6 साल बताई जा रही है।